डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस टू नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स एंड हाउ टू यूज द फॉलोइंग कमांड्स। इस चैप्टर में आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को कैसे यूज करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। बाय एंड ऑफ द चैप्टर इन द चैप्टर द स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो, स्टूडेंट पूरे चैप्टर के अंत में इन टॉपिकों को देखेंगे, इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, क्रिएट ए फाइल, क्रिएट ए डिक्शनरी, रीनेमिंग ए डिक्शनरी, कॉपी कमांड, डिटेल कमांड, डिलीट कमांड, पाथ, डॉस की। फिर इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर 1 MB। यह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर के यूज करने के लिए बनाया गया है। इसमें 1 MB और 1 BM कैपेबल कंप्यूटर इन अर्ली 1980 में कंप्यूटर आया। इट कम्स ऑफ ए टू फॉर्म ऑफ डॉस एंड पीसी डॉस। ये दो प्रकार में आया, डॉस एंड पीसी डॉस। व्हेन डेवलप्ड, डॉस वाज ए वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज बाय पीपल इन माइक्रो कंप्यूटर। ये बहुत तेजी से उपयोग किया माइक्रो कंप्यूटर के लिए। डॉस कमांड आर यूज टू कम्युनिकेट फॉर द कंप्यूटर विच आर बूटेड। यह डॉस ऑपरेटिंग बूटेड कंप्यूटर अप विद द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर चलाने के लिए डॉस कमांड है बीन टू यूज्ड इन ए फ्रंट ऑफ डॉस प्रॉम्प्ट C:\A:\ आर द फॉलोइंग बाय इंटर की। डॉस कमांड आर यूज आर दे आर टू टाइप्स, पहला इंटरनल कमांड, दूसरा है एक्सटर्नल कमांड, आंतरिक कमांड और वाई कमांड। इंटरनल कमांड आर ऑलवेज इन मेमोरी। यह कमांड हमेशा मेमोरी में रहता है, मेमोरी के लिए यूज होता है। एंड दे कैन नॉट बी कॉल्डेड एनी अदर सोर्स, यह अदर सोर्स के लिए जरूरी नहीं होता। दीज कमांड्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द सिस्टम फाइल, या सिस्टम फाइल के लिए इम्प्लीमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉपी डायरेक्टरी डेट एंड टाइम etc।